नाम है और क्या हुआ आपके साथ, आज यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम है नूरुल हसन उर्फ बड़कऊ, रामपुर भवानीपुर का रहने वाला हूँ। थाना मेरा सफदरगंज है, तहसील मेरी जो है सिरौली गौसपुर है। मुझको जो है तो 12 तारीख को फोन आया भाई के पास कि आपको जो है दरोगा जी जो है तो बुला रहे हैं, तो क्या कोई बात है? तो अब हम सब घर वाले मिल के पूछने लगे, क्या कोई बात तो है नहीं, तो पूछ रहे हैं। तो एक मिलने भाई के पास कौन आया था, क्या नाम था वो छोटे भाई हमसे? क्या नाम था? नहीं, वो तो हमारा लड़का भी था, वो घर ही में रहते हैं, सभी लोग थे साथ में। जब फोन आया तो सभी लोग थे। हाँ, और उसके बाद में जो है तो एक मिलने वाले थे, तो हमने पूछा कि भैया ज़रा पता लगाओ, थाने से फ़ोन आया है, क्या कोई बात है, क्या कोई मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन है? तो उन्होंने कहा हम बताएंगे। एक घंटे के बाद में बाज़ार में उन्होंने बुलाया, फुलवारी बाज़ार में उन्होंने बुलाया, कहने लगे वो कि आप चले आइए। तो हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ कौन से दरोगा थे, क्या नाम? हम जब वहाँ पर बुलाया, जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि एसओ साहब और जिसको हमने पूछा था वो और एक सिपाही बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अरे सर, मेरा जो है थाने से फ़ोन आया, क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि आपका नाम नूरुल हसन उर्फ बड़कऊ है। तुमका जी हाँ, मेरा नाम नूरुल हसन बड़कऊ है। दीवान साहब ने पूछा क्या और कोई नाम तो नहीं इस गांव में इसका आपके अलावा? तो हमने कहा नहीं, और कोई नाम नहीं, ये मेरा ही नाम है नूरुल हसन उर्फ बड़कऊ। कहले ठीक है। तो हम कहा अरे सर कुछ ये तो बताइए, मेरा क्या मामला है? तो वो बोले कि कल 10 बजे थाने चले आना, बड़े साहब बताएंगे। तो हमने बोला कि हम अभी चलते हैं आपके साथ। तो कहने नहीं नहीं, अभी मत चलना, कल 10 बजे आना। उसके पहले हमारे घर वाले जो है भाई एक लड़का था, सब लोग गए वहाँ, बोले क्या मैटर है, उसमें न्याज प्रधान भी थे, क्या मैटर है? तो उन्होंने मैटर नहीं बताया और सारे कागज हमने उनको दिए हैं। हमने लोन लिया है 25 लाख का, वो मेरे पोते का ऑपरेशन होना है, उसके कागज़ दिए और GST के सारे कागज़ दिए। जब थाने पहुंचे तो क्या हुआ ये बताइए। नहीं, अभी तो यहाँ फुलवारी बाज़ार की बात है, अभी दिन पड़ता ही नहीं। तो अब जब शाम को जब ये लोग गए मेरे भाई वगैरह, तो वहाँ थाने में गए तो उन्होंने बताया कि मैटर कोई नहीं है, आपको 7 लाख रुपये पड़ेंगे। तो कह रहे कोई बात तो बताओ, तो कागज लाएँ सर, तक कागज़ देख लो, ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है पैसा पड़ना है 7 लाख। किस चीज़ का? किसी चीज़ का नहीं, किसी चीज़ का। साहब क्या आए थे ये भरोसा करके कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे, उन्होंने ये बात कही है, आप परेशान ना हो, मेरा नंबर ले लो, आप अपनी बात बताइए। अपनी बात एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा हम फिर आपको बुलाएंगे और मेरा नंबर ले लो, कोई अगर दबिश डालेगा थाने का तो मेरा नंबर ले लो और हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे। इतनी बात की। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भैया हम सब अपने रिश्तेदारों से सबसे जो है तो चंदा जैसे बटोर के थोड़ा थोड़ा पैसा ला के ये 4 लाख रुपये दिए हैं, हमारा पैसा वापस किया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, बस हम ये चाहते हैं। आपको जब एसओ साहब ने पैसा मांगा, आपने दिया जी, तो आपकी वजह नहीं पूछी कि आगे एसओ साहब किस बात का पैसा मांग रहे हैं? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 10 बार बताऊँगा, 100 बार बताऊँगा, कोई वजह नहीं बताया। कागज़ जो गए थे कागज़ भी नहीं देखा, उन्होंने कहा कागज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पैसा पड़ेगा नहीं आप दोगे, हम मर्फिया में धर देंगे आपको, आप बहुत गहरे में जाएंगे। ये बात कही, मर्फिया में धर देंगे? हाँ, मर्फिया में धर देंगे, आप बहुत गहरे में जाओगे। तो आप इस डर के मारे दिए, और यहो बताया 6 महीने तो जमानत नहीं होगी, फिर कब चलेगा मुकदमा, क्या होगा, ये कोई पता नहीं है। ये बात किसने कही थी? ये दीवान ने कही है, ये दीवान साहब ने कही है ये बात। एसओ साहब के सामने? नहीं, उस वक्त एसओ साहब नहीं थे, उस वक्त सिपाही था और दीवान थे, दीवान सब काम करते हैं। हाँ, उन्हीं जाकर सबसे मिलते हैं, उन्हीं थाने बुलाते हैं। नाम मालूम है दीवान? नहीं, नाम नहीं मालूम, देखेंगे जान जाएंगे। एक एप्लीकेशन आई जिसमें दिसंबर महीने की एक का उल्लेख किया गया है, लगभग 3 महीना पुरानी, जिसमें आया कि नहीं थाना अध्यक्ष जो हमारा सफदरगंज है, इसके द्वारा किसी से पैसे लेने के आरोप लगा था, उसको जाँच किया, क्योंकि बहुत डिले आया एप्लीकेशंस और वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं कुछ हेड्स में। मुझे ये ज़रूर देखना है वहाँ पे कि अगर ये आरोप सही पाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी रैंक का होगा,
उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जांच दी गई है अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी को, उनकी रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।